आश्चर्यचकित ऑल्सो नोन एज आश्चर्य फकट ये एक इंडियन फिल्म है जो कि बेस्ड है सादत हसन मानतो की नोवेल पे जिन्होंने हमेशा समाज की सच्चाई को ध्यान में रखते हुए नोवेल्स लिखी हैं। ऐसी सच्चाई जो कि 1930s में और 1940s में बात करना मतलब बवाल करने के बराबर था। इन्होंने 1947 में इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन को लेकर भी बहुत सारे शॉर्ट स्टोरीज लिखे थे जिसकी वजह से ये काफी पॉपुलर भी हुए थे। अब ये इतने फेमस हुए थे कि इनके नोवेल्स को पढ़कर इनके ऑब्सीन नोवेल को यानी कि सेक्सुअल कहानियों से भरे हुए इनके नॉवेल्स को पढ़कर आजादी के पहले इंडिया में 3 बार इन पे केस हो चुका था और आजादी के बाद में जब ये पाकिस्तान चले गए तो पाकिस्तान में भी 3 बार इनके ऊपर केस हुआ था। मगर अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कहूँ कि ये बच गए थे और कुछ इनको कोई सजा नहीं हुई थी। इनके ऊपर मानतो नाम की 2 मूवी भी बन चुकी है, पहला 2015 में जो कि एक पाकिस्तानी मूवी थी और दूसरा 2018 में जो कि इंडिया में बनी थी जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने मानतो का काम किया था। अब ये दोनों ही मूवी काफी हिट हुई थी स्पेशली पाकिस्तान में बनी मानतो मूवी। एंड अनफॉर्चुनेटली मैंने इनकी दोनों ही मूवीज नहीं देखी है मगर इनकी आश्चर्यचकित या आश्चर्य फकट मूवी देखने के बाद में मैं सीरियसली इनके लाइफ के बायोग्राफी के ऊपर बनी मानतो मूवी भी जरूर देखना चाहूंगा। तो आखिर है क्या स्टोरी आश्चर्यचकित की, लेट्स फाइंड आउट। सब्सक्राइब कीजिए फिटफ्लिक्स को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मूवी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। आश्चर्यचकित को डायरेक्ट किया है समित कक्कड़ ने और ये मूवी जरूरत, चाहत और लालच के पीछे फोकस करती है जहाँ पर ये तीनों चीजें 3 लोगों से कनेक्ट की गई है। पहला एक बॉलीवुड स्टार जिसके पास सब कुछ है मगर उसे सेक्स की लालच है, दूसरा उसके ड्राइवर और तीसरा एक प्रोस्टिट्यूट जहाँ पर ड्राइवर को इस प्रोस्टिट्यूट से प्यार हो जाता है और वो इसकी जरूरत बन जाती है बिकॉज उसे इससे प्यार हो गया है और वो इसके बगैर नहीं रह सकता। और ये प्रोस्टिट्यूट जिसे चाहत है एक ऐसे जिंदगी गुजारने की जो कि शायद इसे कभी न मिले, यानी कि एक परिवार हो, हस्बैंड हो, कहीं पर भी कभी भी घूमने की आजादी हो जो कि एक प्रोस्टिट्यूट के लाइफ में इसे नहीं मिल रही। अब कैसे इन तीनों ही लोगों की जिंदगी एक तीसरे से इंटरवीन करती है और कैसे इन तीनों ही लोगों की जिंदगी पूरी बदल सी जाती है, कुछ यही स्टोरी है मूवी की जिसे काफी न्यूड सीन से और काफी इम्प्रेस कर देने वाले एक्टिंग सीक्वेंसेस से दिखाया गया है। सो क्या आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं, लेट्स फाइंड आउट। एक बदन दो बॉल, एक कमर एक चूत एक गांड, और क्या कहेगी एक रान। अब आप एक पल के लिए सोचिए कि YouTube नहीं है, इंटरनेट नहीं है, टीवी नहीं है, न्यूज़पेपर नहीं है, तो क्या आपको पता चलता आज की दुनिया में कि कैसे कैसे क्राइम्स हो रहे हैं। अब इंडियन चैनल के टीवी सीरीज ही ले लो, क्राइम पेट्रोल ले लो, सावधान इंडिया ले लो, जहां पर क्राइम्स के बारे में सब चीजें दिखाई जाती है। कई बार हम इन टीवी सीरीज को देखते हैं और कभी कभार मजाक भी बनाते हैं कि यार ये तो मतलब टीवी सीरीज के नाम पर सेक्सुअल सीन्स एक्सेट्रा दिखा रहे हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मजाक उड़ाते हैं हम लोग। बट एक पल के लिए क्या आपने ध्यान दिया है कि वो स्टोरी कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ में एक्चुअल में हुई है और आप एक बेसिकली इंडियन सेंसर बोर्ड की वजह से एक सेंसर्ड वर्जन देख रहे हैं। आप देख रहे हैं, आप पे गुजर नहीं रही है, लेकिन इमेजिन कीजिए कि जिसके ऊपर वो गुजर रही है उसकी जिंदगी अभी कैसी होगी। और जैसा कि मैंने कहा, आप तो एक सेंसर्ड वर्जन देख रहे हैं, जब आप एक अनसेंसर्ड वर्जन देखेंगे तो आप नहीं है उस टीवी सीरीज में, इसलिए शायद से एक पल के लिए आप वो फील नहीं करेंगे, लेकिन वो बराबर फील कर रहा है, या लड़का हो या लड़की हो, किसी का मर्डर हो या रेप हो, वो फील कर रहे हैं। सो जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ मेंटल टॉर्चर दीज पीपल गो थ्रू विच वी ओनली सी ऑन आवर डेली टीवी सीरीज एंड वी जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। सो मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ, आज के जमाने में भी जहां पर ऐसे टीवी सीरीज लोग देखते हैं तो उसका अपोज करते हैं कि यार कैसा कैसा टीवी सीरीज दिखा रहे हैं। अब आप इमेजिन कीजिए कि 1930s और 1940s में जब इस राइटर ने मतलब ये सब नॉवेल्स लिखी इस सच्चाई को लेकर, मतलब आज तो लोगों की सोच थोड़ी बदल सी गई है, पीपल आर लाइक ब्रॉड माइंडेड, तो काफी लोग काफी चीजें एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट 1930s 1940s ऐसा नहीं था, पीपल फेरेंट वो ये सब चीजें एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और काफी कुछ हो रहा था बट लोगों को पता नहीं था। अभी का फर्क यह है कि अब लोगों को पता चल चुका है, तो उस टाइम पे ये वो सब चीजें यानी कि समाज की सच्चाइयां लिखते थे, तो इनके ऊपर क्या बिताऊं। जिस तरीके की आजादी आज हमें मिल रही है अपने विचारों को रखने की,
उस वक्त पर ये आजादी नहीं थी। और यही सच्चाई इस मूवी में दिखाई गई है कि कैसे इंसान अपनी जरूरत के लिए, अपनी चाहत के लिए, पागलपन के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और इन सभी चीजों को आप कुछ गजब की इम्प्रेसिव एक्टिंग से देखते हैं, स्पेशली प्रियंका बोस से। इन्होंने प्रोस्टिट्यूट का किरदार कुछ ऐसे निभाया है कि मैं दंग रह गया। इनकी एक्टिंग मुझे इसलिए इम्प्रेसिव लगी क्योंकि इन्होंने न्यूड सीन्स को भी कुछ इस तरीके से निभाया है कि आपको लिटरली ऐसा लगता है कि आप कोई मूवी नहीं देख रहे। देयर इज रियली सम प्रोस्टिट्यूट हु इज बीइंग रिकॉर्डेड। नाउ प्लीज मेरी बात को नेगेटिव सेंस में मत लीजिए, आई मीन लाइक इट्स हर टैलेंट दैट कि इन्होंने जो एक्टिंग की है, शी रियली फेल्ट द कैरेक्टर। सो ओवरऑल मैं कहूँ तो आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड बाय प्रियंका बोस ऑफ हाउ शी प्रिटेंडेड टू बी अ प्रोस्टिट्यूट इन दिस मूवी। इनके बाद इनके डीलर यानी कि दलाल का काम किया है संतोष जुवेकर ने, उनकी भी एक्टिंग आपको इम्प्रेस करेगी। आई मीन हर बात पर गालियां देना, कांता यानी कि प्रियंका बोस का जो नाम है मूवी में, उनके ऊपर अपना हक जमाना कि वो सिर्फ इनकी है और किसी की नहीं, ये सब चीजें कहीं ना कहीं आपको ये दिखा रही थी कि कभी कोई इंसान अगर आप पे कोई एहसान करता है और कुछ ऐसा एहसान करता है कि जिसके तले आप दब जाते हैं, आई मीन लाइक वो कुछ ऐसे सिचुएशन से आपको निकाल देता है कि आप उसके एहसानमंद हो जाते हैं, कि भले ही आप उसका एहसान कभी ना कभी उतार देते हैं बट कहीं ना कहीं एहसान उतारने के बाद में भी स्टिल यू आर हैप्पी दैट उस बंदे ने आपके लिए कुछ ऐसा किया है। तो ये इंसान भी कांता के लिए यानी कि प्रियंका बोस के लिए कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से उनका कर्ज उतारने के बाद में भी, आई मीन लाइक पूरी जिंदगी वो अपना कर्ज जो उन्होंने किया है उनके लिए वो नहीं उतार सकती। आई मीन लाइक कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कोई आपके लिए कर देता है, आप जिंदगी में कभी भी वो कर्ज उतार नहीं सकते। ये मूवी मैंने नेटफ्लिक्स पर देखी एंड मैं ये मूवी देखने वाला भी नहीं था, बट आई वॉज ब्राउजिंग थ्रू सम सिलेक्शंस और इसका 5 सेकंड का मैंने एक क्लिप देख लिया व्हेन आई वॉज ब्राउजिंग थ्रू, और मुझे काफी इंटरेस्टिंग क्लिप लगा एंड आई वेंट अहेड एंड आई वॉच दिस मूवी एंड शॉकिंगली मुझे ये काफी इंटरेस्टिंग मूवी लगी। आई थिंक ये काफी इंटरेस्टिंग मूवी थी, अगर आप इसे एक सेक्सुअल मूवी या न्यूड सीन्स की वजह से नहीं देखे तो, और इस नजरिए से देखें कि ये समाज में चल रही कड़वी सच्चाई के ऊपर जो फोकस करता है, जो एक घिनौना रूप दिखाता है समाज का हमारे, उस नजरिए से अगर देखेंगे तो आपको ये मूवी काफी इंप्रेसिव लगेगी। आई मीन ये मूवी वो सब चीजें दिखाती है जो कि आप नहीं चाहते कि आप अपने लाइफ में उन सब चीजों से गुजरे। देर आर यू नो, आज मैं यहां पर बैठा हूं, आई हैव अ वेरी डिसेंट लाइफ, शायद बहुत अच्छी लाइफ नहीं है बट आई हैव अ डिसेंट लाइफ, तो मुझे इसमें खुश रहना चाहिए। देर आर सम पीपल जो सिर्फ गरीब नहीं है, आई मीन लाइक उनकी गरीबी से भी बदतर हालत है, आई मीन लाइक कंसिडर अ प्रोस्टिट्यूट, उनका लाइफ अच्छा नहीं है। सो मांतो ने ये नॉवेल्स लिखकर वो समाज की सच्चाई दिखाई है कि शी इज प्रोस्टिट्यूट तो उनका लाइफ खराब नहीं है, ये नहीं है, शी इज गोइंग मच मोर इन हेल राइट नाउ बिकॉज शी इज अ प्रोस्टिट्यूट। और भी बुरी चीज है एक प्रोस्टिट्यूट के अलावा जो उनकी जिंदगी में चल रही है, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी नरक से भी बदतर है, जो कि मैं नहीं चाहूंगा कि वो किसी के भी साथ हो। तो ये एक बहुत ही यू नो उदास कर देने वाली स्टोरी और यू नो सैड कर देने वाली स्टोरी मांतो ने लिखी है, विच आई रियली लाइक इट एंड स्पेशली जिस हिसाब से इन कैरेक्टर्स ने इस यू नो इन कैरेक्टर्स को उतारा है इस मूवी में, I was really impressed. अगर इसमें जो न्यूड सीन्स थे कहीं ना कहीं वो जरूरी थे, आई मीन लाइक इसे न्यूड सीन्स दिखाकर ऐसा नहीं है कि आपको यू नो एक इंटरेस्ट पैदा किया गया कि आप न्यूड सीन्स की वजह से इस मूवी को देखें, वो न्यूड सीन्स जरूरी थे क्योंकि वो जब न्यूड सीन्स आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन न्यूड सीन्स का भी एक कारण है। आई एम सॉरी ये रिव्यू थोड़ा लंबा जा रहा है बट आई वॉज रियली सो मच इम्पैक्टेड बाय दिस मूवी कि आई डोंट नो, आई मीन यू हैव टू सी दिस मूवी। आई मीन कहीं ना कहीं एक दो कैरेक्टर्स की एक्टिंग उतनी इंप्रेसिव नहीं थी और यू नो थोड़ा और थोड़ा मूवी का थीम एक्सेट्रा अगर चेंज किया जाता तो मूवी शायद और भी अच्छी हो सकती थी, इम्प्रेसिव हो सकती थी। एंड इसका नाम भी चेंज कर दिया गया है शायद से, पहले ये ओरिजिनली आश्चर्य फकीट ही था बट इसे आश्चर्य चकित कर दिया गया, विच आई थिंक सो वॉज अ डिसेंट मूव बिकॉज अगर ये चाहते कि मूवी इनकी सभी लोग देखे तो शायद से वो आश्चर्य फकीट से ही मूवी को प्रमोट करते हैं, बट ओवरऑल आई थिंक आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड बाय द मूवी।
दिस मूवी रियली टच्ड मी। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं इस मूवी को रेट करूंगा 6.5 out of 10। तो ये था हमारा रिव्यू मूवी आश्चर्यचकित, ऑल्सो नोन एज आश्चर्यचकित का। आपको हमारे रिव्यू कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यू ऑल हैव अ वेरी ग्रेट डे।